गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रतीक्षा गैलेट फ्रॉम सुनीता ग्रेड स्कूल। अपन ने चैप्टर 6 कंप्लीट कर दिया था। आज इस जो था कंबेशन एंड फ्लेम, आज अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। दिस कंडीशन अंडर विच कंबेशन टेक प्लेस, आपको कंडीशन बतानी है जिसमें कंबेशन होता है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंबेशन टेक प्लेस कैसे होता है। कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस आर एज फॉलोज। फ्यूल इज रिक्वायर्ड, यानी कि कंबशन के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फ्यूल की, एयर यानी कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी, इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको इन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पॉल्यूशन, क्योंकि क्या होता है उसमें से क्या कौन सी गैस निकलती है कार्बन की, इस वजह से पॉल्यूशन होता है। फिर नेक्स्ट, लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज एलपीजी, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर, यानी कि अगर ऑयल से आग लग रही है तो किससे कंट्रोल नहीं होगी, वाटर से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस पॉल्यूशन इन आवर सिटीज, यानी कि सी एन जी को यूज़ करने से भी जो अपन गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं उसकी जगह अपन सी एन जी को यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, कैसे होगा। सी एन जी प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक, यानी कि जो सी एन जी होता है ना वो हार्मफुल प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एक्सेट्रा। सी एन जी इज अ क्लीनर फ्यूल, यानी कि सी एन जी का एक क्लीनर फ्यूल है। कंपेयर एल पी जी एंड वुड एज फ्यूल, यानी कि अपन किसको कंपेयर करना है, एल पी जी को और वुड को एज फ्यूल। एनर्जी एंड यूनिट मास, एल पी जी कितनी होती है, प्रोड्यूस मोर एनर्जी, वुड प्रोड्यूस लेस एनर्जी। पॉल्यूशन एल पी जी से कम होता है, वुड से ज़्यादा होता है। रेजिड्यू, लीव नो रेजिड्यू, लीव एशेज एंड रेडिड्यू, यानी कि वुड को जब जलाएंगे तो पीछे क्या बचेगी, राख। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, नीड मोर स्पेस टू स्टोर, अगर अपन लकड़ी को लाएंगे तो हमें उसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर फाइव, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि अपन को बताना है जब है ना जब आग लग जाती है, यानी कि ऐसी जगह आग जहाँ पर कि करंट पास हो रहा है तो वहाँ पर अपन पानी का यूज़ क्यों नहीं करते। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज इट मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाफ डोज ट्राइंग टू डोज द फायर, यानी कि उनके उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर पानी अपन उस पर डालेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पे तो उसमें से जो लोग पानी आग कम करना है उसको हार्म हो सकता है। सेकेंड क्या था, एल पी जी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड, जो एल पी जी है उसको घर पे अच्छे फ्यूल के लिए माना जाता है, किससे, वुड से। ऐसा क्यों, एल पी जी इज गुड फ्यूल एज कम्पेयर टू वुड एज इट रेडियली अवेलेबल, यानी कि हमें सब जगह मिल जाता है और बहुत सस्ता होता है। इट बर्न इजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, यानी कि ये बहुत इजिली भी जल सकता है। एल पी जी क्या होती है, जब अपन घर पे गैस यूज करते हैं, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इससे हमें बहुत अमाउंट में हीट भी मिल सकती है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, जब एल पी जी जब अपन गैस को जलाते हैं उसमें एल पी जी निकलती है तो उसमें पीछे कुछ बचता नहीं है। थर्ड क्या बोल रहा है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्युमिनियम पाइप डज नॉट, क्या बोल रहा है कि जो पेपर होता है ना उसमें आग इजीली लग जाती है, लेकिन वो पेपर जो कि एल्युमिनियम पाइप के साइड में चिपका हुआ होता है या उसके आसपास रैप्ड होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, क्यों। पेपर इटसेल्फ कैचेस फायर इजिली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्युमिनियम पाइप डज नॉट बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो एज कम्पेयर टू द पेपर रैप्ड अराउंड एल्युमिनियम पाइप, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है किसका, पेपर का, वो कम होता है किसके कंपेयर में, उस पेपर के कंपेयर में जो कि एल्युमिनियम पाइप के अराउंड में रैप्ड हो रखा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम, आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम के सारे नेम लिखना है। सबसे पहले आउटर जोन होता है जिसको बोलते हैं कंबशन, और इसमें ब्लू कलर की लाइट होती है, फ्लेम होता है ब्लू कलर का।
फिर आता है मिडल जोन पार्शियल कम्बर्शन, यानी कि इसमें येलो कलर की फ्लेम होती है। फिर आएगा इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स ब्लैक, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, जिसको बोलेंगे इनरमोस्ट जोन। सबसे हॉटेस्ट पार्ट बाहर वाला होता है, फिर मॉडरेट अंदर, फिर लीस्ट हॉट सबसे अंदर वाला। ये वैक्स है, यानी कि डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। ये डायग्राम आपको बनाना है और इसमें कलर करना है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस। आपको यूनिट बतानी है इसमें फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हमें मिलेगी। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी, यानी कि किलो जूल पर केजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फायर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है कैसे। CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, जो CO2 होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो ऑक्सीजन से भारी होता है। कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, जब CO2 को डाल दिया जाता है तो वो ना फायर के ऊपर एक ब्लैंकेट का काम करता है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल। जब ना आग लग जाती है, जहाँ पे आग लगती है तो उस आग, अब सबको पता है कि ऑक्सीजन अगर होगी तो ज़्यादा आग लगेगी, तो वो ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में जो उसका कॉन्टैक्ट होता है उसको तोड़ने के लिए CO2 को डाला जाता है, ताकि आग कंट्रोल में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हिप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव कैचेज फायर इजीली, एक्सप्लेन। यानी कि जो ग्रीन लीव्स होगी उसको जलाना मुश्किल होता है किसके कंपेयर में, ड्राई लीव्स की। यानी कि ड्राई लीव्स होती है वो जल्दी इजीली जल जाती है, लेकिन ग्रीन लीव्स होती है वो इजीली नहीं जलती। ऐसा क्यों? द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव इज हायर देन दैट ऑफ अ ड्राई लीव्स, यानी कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ग्रीन लीव्स का वो ज़्यादा होता है। सो ड्राई लीव्स कैचेज फायर इजीली, इसीलिए जो ड्राई लीव्स होती है वो फायर को इजीली कैच करती है। तो आप याद रखना कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसे नहीं कि आपको इग्निशन टेम्परेचर के बारे में नहीं पता। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर पे फायर को इजीली कैच कर लेता है, यानी कि उसको आग लगाने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। अपने फ्लेम्स के बारे में देखा था, तीन लेवल होती है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट होगी, फिर अंदर सेकेंड वाली और ये थर्ड वाली। तो बोला जा रहा है कि कौन सी लेयर होगी उसको जो गोल्डस्मिथ यानी कि सोनार यूज करेगा गोल्ड को जलाने के लिए और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। गोल्डस्मिथ यूजेस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर को वो यूज करेंगे। बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट जोन, यानी कि सबसे गर्म जोन कौन सी होती है, आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न। एक एक्सपेरिमेंट था उसमें जो 4.5 kg की फ्यूल थी वो पूरी जल गई। द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर टू बी, जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो कितनी थी, 1,80,000 kJ। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, यानी कि इतनी जब 4.5 kg जो फ्यूल जब जला था तो उसमें से हीट प्रोड्यूस हुई थी 1,80,000 kJ। तब अपन को उसके कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करनी है। कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हीट प्रोड्यूस अपॉन मास ऑफ फ्यूल, यानी कि इन किलो जूल अपॉन इन केजी। ये वैल्यू आपने लिखी 1,80,000 अपॉन 4.5, पॉइंट हटाया एक और जीरो लगा दिया। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 40,000 kJ अपॉन kg। ये पूरी यूनिट कैसे लिखी गई है, इसको ऐसे लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कम्बशन, डिस्कस। क्या जब रस्टिंग होती है इस रस्टिंग के प्रोसेस को अपन कम्बशन बोल सकते हैं, अब इसको डिस्कस करिए। रस्टिंग यानी कि जंक लगना। नो, एज रस्टिंग इज वेरी स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू कम्बशन, यानी जो रस्टिंग है वो बहुत स्लो प्रोसेस है।
एंड द हीट इन्वॉल्व इन कम्बशन इज मच मोर देन रेस्टिंग. जो हीट जब कम्बशन होता है उसमें से जो हीट निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, रेस्टिंग के. रेस्टिंग कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर बट कम्बशन नीड एन इग्निशन टेम्परेचर. जो रेस्टिंग है वो रूम टेम्परेचर पे हो सकती है लेकिन कम्बशन को इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है. क्वेश्चन नंबर 13. अबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर. यानी कि अबिदा और रमेश दो थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें पानी को हीट करना था, गर्म करना था. अबिदा कैप द बीकर डियर द विक इन योर येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम. कैंडल फ्लेम है, इसने इस बत्ती के पास में किसको रखा, बीकर को. रमेश कैप द बीकर इन द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. जो रमेश था ये अबिदा ने रखा था, जो रमेश था उसने सबसे बाहर वाले लेयर पे बीकर को रखा था. हूज वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्ट टाइम. किसका पानी सबसे पहले गर्म होगा. और मैंने आपको बताया था जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है वो जल्दी हीट करती है, ठीक है. तो यानी कि अगर बीकर यहाँ पे पड़ा है तो सबसे पहले हीट कौन होगा, ये वाला बीकर. द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज अ हॉटेस्ट वन सो राकेश वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम. यानी कि जो राकेश के जो बीकर में पानी है वो पहले गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. अपन ने 13 क्वेश्चन आंसर्स कर लिए. सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, बहुत ईजी है. इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे, ठीक है. तब तक के लिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करवा रही हूँ आप उसको नोटबुक में करो, अच्छे से चैप्टर रीड करो. जब आपके लाइव क्लासेस होती है तो मुझसे डिस्कस करो, ठीक है. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.